तो लीजिए आज हम आ गए तिलक नगर, 7 मंजिला मंदिर है उसी के बिल्कुल नीचे देखेंगे। तो भैया से बात करते हैं, भैया वैसे कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे? साल से ज्यादा हो गया। एक साल से ऊपर हो गया। और आइटम्स क्या क्या होती है वैसे आपके पास? मेरे पास मैक्सिकन और कॉन्टिनेंटल आइटम। ओके, मैक्सिकन एंड कॉन्टिनेंटल। स्ट्रीट फूड मतलब इतना कोई कवर नहीं करता ये आइटम्स? ऑथेंटिक रखा हुआ है, बाकी तो वैरायटी मिल जाएगी आपको। ओके, और यहाँ के रैप्स काफी फेमस है। ओके, तो आज हमें क्या खिलाने वाले हो आप? मैं आपको फहीता रैप खिलाता हूँ। ठीक है, चलो बना। तो मल्टीपल फ्लेवर्स होंगे। ठीक है, वैरायटी होगी वेजेस की। अच्छा, और थोड़ा हल्का सा स्पाइसी, हल्का स्वीट, हल्का मस्टर्ड का फ्लेवर इस तरीके से आता है। चलो मैं देखता हूँ थोड़ा बनाते, मतलब उसमें क्या डलता क्या क्या? सर मैं आपके सामने कटिंग कर रहा हूँ, वैरायटी हो जाएगी कटिंग की। फिर उसमें सॉल्ट पेपर, ज्यादा कुछ नहीं होता, बस सब्जियों का ही टेस्ट होता है। और जो वेजेस कट करते हैं वो हैंड टू हैंड ही करते हो सबके लिए? फ्रेश बनेगा सर। बहुत बढ़िया, तो चलो बनाओ। तो ये देख लो, ये आगे बेबी कॉर्न। तो ये देख लो जी, तो यहाँ पे आप देखोगे, थोड़ा सा भैया का कार्ड दिखा देता हूँ। यहाँ पे भैया वेजेस काट रहे हैं। और अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, तिलक नगर, 7 मंजिला मंदिर है उसी के बिल्कुल इस तरफ देखेंगे। यहाँ पे भैया का ये कार्ड लगता है रैप हट के नाम से। मेन मार्केट से थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो इस तरफ है। यहाँ पे भैया वेजेस काट रहे हैं, ये बीट रूट काट दिया। तो ये देखिए, ये क्या चीज है भैया? ये ग्रीन जुकीनी है, ये येलो जुकीनी है। वैसे ये फाइन डाइनिंग में ही मिलेगा आपको। हाँ, ये अच्छे आउटलेट में बहुत रेयर है। मतलब एक बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो मतलब मोस्टली लोगों ने नाम ही नहीं सुने होंगे। अच्छा जी, और लोग आप खा रहे हैं उनको पता चल रहा है, कहीं जाएंगे तो मैं वही नाम पढ़ रहा हूँ, आज तो मेरे लिए पढ़ने टफ है। और जैसे ये फजीता, फजीता ये फहीता है। अच्छा, हाँ फहीता रैप। और भैया वैसे सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज़ की है यहाँ पे? सबसे ज्यादा जो लोग रैप। अच्छा जी, मैं देख तो सही तो वेजिटेबल। बहुत बढ़िया जी। और कुछ रह गया अभी डालना? वैरायटी है, वेजेस की कमी नहीं है। मैं वही देख रहा हूँ, आइटम जितनी है आपने मेरे को लग रहा है कोई छोड़ा ही नहीं है यहाँ पे। क्या मतलब, अगर 130 रुपए लोगे पूरे पैसा वसूल कराओगे क्या बंदे का? ऐसा नहीं है सर, आजकल मेन क्या है, कॉन्सेप्ट ही इसीलिए खोला है कि क्या नाम है, लोगों को ना सब्जियों से थोड़ा प्यार हो जाए। मांस मछली खा खा के लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं। मतलब वेजिटेबल्स में भी लोगों को अट्रैक्ट तो कर रहे हो वेजिटेबल्स के लिए। बहुत बढ़िया, मतलब बताने की कोशिश है कि जब वेजिटेबल इतना अच्छा है तो इसे घर में ट्राई करो। बहुत बढ़िया। और वैसे भैया आपको मतलब ये काम करते हो वैसे कितना टाइम हो गया? एक साल से तो आप यहाँ पे कार्ड लगा रहे हो, उससे पहले कितना टाइम आप मतलब शेफ कितना टाइम के लिए रहे हो? काफ़ी टाइम हो गया, फिर तो 10-12 साल हो गए। 10-12 साल मतलब इस फील्ड में हो चुके आपको। बहुत बढ़िया। भाई भाई मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। ये भैया ऑलिव ऑयल है? मतलब ऑलिव ऑयल यूज़ करते हो और कभी यूज़ करते हो? ऑलिव ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन सैलेड के लिए। बहुत बढ़िया। तो देखिए अब ये सारी वेजेस चली गई हैं इसमें। ये बेस किस चीज़ से बनाया हुआ है अभी आपने? ये बीट रूट का सर। बीट रूट का बेस है। और बेस में क्या क्या यूज़ किया हुआ है आपने? सिर्फ आटा। सिर्फ आटा। बहुत बढ़िया। और इसमें भी आपने क्या क्या डाला? ये शॉर्ट क्रीम है। ओके, पेरी पेरी। पेरी पेरी। ये सॉसेस कौन सी जा रही हैं? ये चिली सॉस। ओके, मतलब सारा आपने खुद के फ्लेवर्स दिए हुए हैं। बहुत बढ़िया, मस्टर्ड आ गया। नाम पूछता ना थोड़ा मैं ही कंफ्यूज हो जाता हूं। नहीं ठीक है ठीक है। तो लीजिए अब टेस्टिंग की बारी आ चुकी है, मैं टेस्ट करता हूँ। टेस्ट करने से पहले एक बार इसकी क्लोज लुक दिखाता हूँ। तो ये देखो जी, ये फजीता रैप है, स्पेशल फजीता रैप, जिसका प्राइस है 130 रुपये। अगर लुक्स की बात करूँ, क्वांटिटी की बात करूँ, आइटम्स इतनी डाली हैं, आधे से ज़्यादा आइटम्स के तो मुझे नाम भी नहीं पता जितनी आइटम इसमें डाली है। तो अब मैं टेस्ट करता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे बाइट लूँ, क्योंकि सारा उछल के बाहर आने वाला है ना। क्वांटिटी इतनी है,
तो अब टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कैसा हो गया इसका टेस्ट। काफ़ी डिफरेंट है और काफ़ी मज़ेदार आइटम है। और बेस की बात करूँ, बीट रूट से पूरा आटे में बीट रूट का कलर आया हुआ है, बीट रूट मिक्स किया हुआ है, रेड कलर का है आउटर लेयर। फिलिंग बहुत ही लाजवाब है, कैचअप में कुछ हल्की सी मिठास है और बाकी वेजेस का फ्लेवर है। काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी यूनिक आइटम है। और अगर पैसों की बात करूँ, 130 में मुझे ऐसा लगता है जिस हिसाब से बनाया है, जितनी क्वांटिटी मिली है इसमें, उस हिसाब से मेरा मानना है कि वर्थ है ये आइटम 130 रुपये। अगर आपको और अगर एक चीज़ और बताऊँ, ये जो आइटम मैं टेस्ट करता हूँ, ये आइटम स्ट्रीट फूड में तो मेरा मानना है कि ये आइटम कहीं पर भी नहीं मिल सकती। तो अगर आप कभी भी आते हो तिलक नगर की तरफ, तो 7 मंजिला मंदिर है, उसी के बिल्कुल आप नीचे देखेंगे, यहाँ पे भैया का रैप हट है। यहाँ पे और भी आइटम्स हैं, हमने रैप हट जिनके स्पेशल जो मेन जिसे कहते हैं ना, ये आइटम जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, वो आइटम ने ली। तो मैं अभी इसे ख़त्म करता हूँ, आइटम काफ़ी लाजवाब है, एक बाइट लिया तो अब मैं तसल्ली से खाऊंगा। तो अगर आप भी यहाँ पे आते हो तिलक नगर, एक बार यहाँ पे ज़रूर आना। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, फेसबुक पे हमें फॉलो करना, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपको हमारे स्वाद पे यकीन तो जल्दी से फॉलो करो डेली फूड शौकीन। तो मिलते हैं किसी नई जगह कुछ इसी तरह के जबरदस्त आइटम्स के साथ।